ठीक है, उनकी मृत्यु हो। तो मैंने कहा कि चलिए इस सपने को सार्थक करने का प्रयास तो करते हैं। और जब एग्जाम देने गए कॉलेज से जस्ट निकलते एग्जाम दिया, उस हिसाब से बच्चे इस मैच पे ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इससे उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन अच्छा हो सके। इसके बिछड़ गए जो भी छात्र छात्र जो भी हमारे पहले की लड़कियों और प्रशिक्षण के उनके स्थान पर बैठ जाएंगे सेनाएं से समाप्त के बाद। चलिए बस स्टॉप। मौर्या के हर काम छोड़कर सिर्फ बच्चों पर ध्यान दें। सर आप ही की देन है कि जीआईसी जैसे विद्यालय में एनसीसी हुआ करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के इस सभागार में ईसाकी फाउंडेशन एवं आनंद कबड्डी अकेडमी की तरफ से आयोजित इस मोटिवेशनल कार्यक्रम में उपस्थित ईसाकी फाउंडेशन के कार्यकर्ता हमारे मित्र श्री अजय यादव जी, आनंद अकेडमी की सारी टीम, फैजाबाद पब्लिक स्कूल के मुखिया, हमारी टीम के सहयोगी और माध्यमिक शिक्षा जिला मंत्री श्री आलोक तिवारी जी, श्री विनोद मिश्रा जी और कोदेगरी प्रकार से चलकर आए हमारे भाई संतुल राहुल भाई, धर्मेंद्र भाई और सचिन भाई। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 3 से 4 महीनों से एक मुहिम चल रही है जिसमें बच्चों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ऐसे बच्चों के समूह से मिलने का मौका मिला है जो एनर्जी स्प्रिट के प्रतिबिंब होते हैं। खेल और खिलाड़ी यह ऐसा समूह, एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत जुनून पैदा करने पर वो फर्श से आसपार और सूर्य से शिखर तक यात्रा पूरा कर सकता है। और यह एक ऐसा समूह होता है जो अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। एक लाइन आती है कि अवसर और दुर्योधन में एक समानता यह होती है कि यदि देर किया जाए तो ये दोनों प्राप्त नहीं होते हैं। और आप लोगों के आयु पर समूह से ज्यादा यह वाक्यांश अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूं कि खेल के इस कबड्डी प्रारूप से आप लोग संबंधित हैं। आप लोगों के अंदर जिस तरीके की जज्बा है, विश्वास है, लगन है, निष्ठा है, आगे बढ़ने की क्षमता है, अभी आप लोगों ने एक संक्षिप्त प्रतीकात्मक